निर्देशक उमंग कुमार एक और बायोपिक के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। उमंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक पर काम शुरू कर दिया है। फिल्म में मोदी का किरदार विवेक ओबेरॉय निभाने वाले हैं। इसके लिए दुनिया के कुछ मशहूर प्रोस्थेटिक कलाकार रात दिन काम कर रहे हैं। मैरी कॉम जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाले उमंग कुमार एक और नई प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। उमंग कुमार अपनी नई फिल्म की तैयारी शुरू कर चुके हैं। उमंग कुमार हिंदी सिनेमा के आला दर्जे के 8 निर्देशक हैं। चमेली, ब्लैक, सांवरिया और युवराज जैसी फिल्मों में दिखे सेट्स उनकी ही कलात्मक दृष्टि से रचे गए थे। उमंग फिल्म मैरी कॉम से निर्देशक बने, फिर सरबजीत बनाई और उसके बाद बनाई फिल्म भूमि। प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय और संजय दत्त के साथ काम करने के बाद उमंग अब दुनिया के नंबर एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने जा रहे हैं। जी हां, उमंग कुमार की अगली फिल्म एक बायोपिक है और ये बायोपिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनने जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उमंग ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम पूरा कर लिया है। फिल्म में नरेंद्र मोदी का किरदार विवेक ओबेरॉय निभाएंगे। उमंग और विवेक इससे पहले टेलीविजन रियलिटी शो में साथ काम कर चुके हैं। इस फिल्म में नरेंद्र मोदी के संघ प्रचारक बनने से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक की कहानी को मनोरंजक तरीके से पेश किया जाएगा। फिल्म का बजट करीब 200 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। फिल्म में विवेक ओबेरॉय के लुक पर काम शुरू हो चुका है। दुनिया के कुछ बेहतरीन प्रोस्थेटिक कलाकार विवेक के चेहरे पर इन दिनों प्रयोग कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं और इसे स्टार्ट टू फिनिश शेड्यूल में पूरा करके अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले रिलीज करने की योजना बनाई गई है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।